आम आदमी पार्टी मिशन राजस्थान पर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राजस्थान के जयपुर में है। खूब घोटाला कर दिया तो जनता सोचती है इनको मौका दो, ये इनको जेल भेजेंगे। फिर जब उनको मौका मिलता कोई जेल वेल नहीं जाता। आज तक बीजेपी वालों ने एक आदमी को, कांग्रेसी को जेल नहीं भेजा, कांग्रेस वालों ने एक बीजेपी वाले को जेल नहीं भेज। दोनों में बड़ी अच्छी सेटिंग है भाई साहब। हमारी सेटिंग नहीं है इनसे, हमारी सेटिंग आपसे है, हमारी सेटिंग जनता से है। भाई बहन जो ये है, हम भाई बहन, हम लोग हैं भाई बहन, जनता के साथ रिश्ता है। दिल्ली में भी पहले यही हाल था, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, यही चल रहा था। दिल्ली की जनता ने दोनों की सफाई कर दी और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी। कांग्रेस की 0 सीट और पहली बार में बीजेपी की 3 सीट। पंजाब के लोगों ने भी यही करा, वहां भी यही कर रहा था। बीजेपी अकाली दल का गठबंधन था एक तरफ कांग्रेस थी, दोनों में सेटिंग थी, 5 साल तुम, 5 साल हम, 5 साल तुम। वहां भी जब आम आदमी पार्टी आई दोनों का साफ कर दिया और अब आम आदमी पार्टी की 117 में से 92 सीट आई। तो पंजाब में और दिल्ली में क्रांति आ गई, लोग क्रांति ले आए और उसका असर आप देख रहे हो। दिल्ली के अंदर स्कूल बनने लग गए शानदार, दिल्ली के अंदर अस्पताल बनने लग गए शानदार, मोहल्ला क्लिनिक बनने लग गए, गरीबों के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलने लग गई, सरकारी स्कूल अच्छे बनने लग गए। मनीष सिसोदिया को जेल क्यों भेजा? इसलिए भेजा क्योंकि वो गरीबों के बच्चों की पढ़ाई करवा रहा है। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ बीजेपी वालों, सरकारी स्कूल ठीक करना। एक शख्स आया आजादी के बाद 75 साल के बाद जिसने सरकारी स्कूल ठीक करने चालू करे, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, बेचारे को जेल भेज दिया इन लोगों ने। दोस्तों, जो काम दिल्ली में करे, स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, बिजली फ्री कर दी, पानी घर घर पहुंचा दिया, सड़कें बनवाई, इतने काम करे, वो सारे काम अब पंजाब में मान साहब ने शुरू कर दिया। पंजाब के अंदर अब स्कूल ठीक होने लग गए, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक पर 500 मोहल्ला क्लिनिक बन गए गली गली के अंदर। पंजाब के अंदर दवाइयाँ फ्री मिल रही है, टेस्ट फ्री हो रहे हैं, पंजाब के अंदर भी दिल्ली की तरह। इलाज फ्री होने लग गया, बिजली फ्री कर दी, नौकरियां दे दी, 27,000 सरकारी नौकरियां दे दी 1 साल में। जितने कच्चे मुलाजिम थे पंजाब सरकार में, जितने कच्चे मुलाजिम थे सारे पक्के कर दिए इन्होंने। अब राजस्थान में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाना पड़ेगा, एक एक घर में जा जाके वोट मांगनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इन दोनों पार्टियों का तो देख रहे हो लड़ाई मची पड़ी है, बीजेपी में अलग लड़ाई मची पड़ी है, कांग्रेस में अलग लड़ाई मची पड़ी है। किस चीज की लड़ाई है? सत्ता की लड़ाई है, आपके लिए थोड़ी लड़ रहे हैं ये। सीएम की कुर्सी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस में भी सीएम की कुर्सी की लड़ाई हो रही है, बीजेपी में भी सीएम की कुर्सी, आपके लिए नहीं लड़ रहे ये लोग। और मैंने सुना है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की बड़ी अच्छी बनती है, बड़ी दोस्ती है कि नहीं है? अशोक गहलोत पे थोड़ी सी आंच आ जाए, वसुंधरा राजे पूरी बीजेपी खड़ी कर देती है उसके लिए। वसुंधरा राजे, बीच में बात चली थी, वसुंधरा राजे को हटा रहे हैं बीजेपी वाले, अशोक गहलोत ने पूरी कांग्रेस लगा दी उसके समर्थन में। तो ये अलग अलग पार्टियां थोड़ी हैं, एक ही पार्टी है, वसुंधरा राजे अशोक गहलोत पार्टी, एक ही पार्टी है। तो जिसकी मर्जी सरकार बना लो, सरकार तो इन्हीं की चलेगी, चाहे वसुंधरा राजे की बना लो, चाहे अशोक गहलोत की बना लो, सरकार तो इन्हीं की चलेगी। इस बार एक ईमानदार पार्टी ले आओ, आम आदमी पार्टी ले आओ, ईमानदार सरकार ले आओ। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, भगवंत मान को भी राजनीति करनी नहीं आती, हमको पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, स्कूल बनवाने आते हैं। अगर आपने राजनीति करनी है उनको वोट दे देना, भ्रष्टाचार करना है उनको वोट दे देना, स्कूल बनवाने हैं मेरे पास आ जाना, मैं आपके बच्चों के स्कूल बनवा दूंगा। अस्पताल बनवाने हैं, सड़कें बनवानी है, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, मेरे पास आ जाना, मैं आपके लिए पानी बिजली का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन अगर गंदगी चाहिए, नौटंकी चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए, राजनीति चाहिए, पॉलिटिक्स, उनके पास चले जाना, वो मेरे को नहीं आती, हमको नहीं आती। कल पंजाब में कल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, टेट का। कल उस पेपर में गड़बड़ी हुई, एक लापरवाही पाई गई, पेपर तो कैंसिल कर ही दिया। आज हमने पेपर सेटिंग करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सारे गिरफ्तार कर लिए और उनको ऐसी सजा मिलेगी, दोबारा जिंदगी में कोई पेपर लीक करने की हिम्मत नहीं करना। तो जैसे मैंने कहा, ये एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, अब इस हिसाब से बीजेपी का नंबर है, ये कह रहे हैं ये आएंगे और आके कहेंगे डबल इंजन, डबल इंजन, डबल इंजन। डबल इंजन इनका कोडवर्ड है। डबल इंजन का मतलब होता है डबल भ्रष्टाचार, डबल करप्शन। मैं अभी कर्नाटका गया था 2 दिन पहले। 2000 पिछली बार जब कर्नाटका की सरकार बनी थी, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, 20% कमीशन होता था वहां। प्रधानमंत्री जी गए, बोले डबल इंजन की सरकार बना दो, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। आज 40% कमीशन हो गया।